नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेटा स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2025 को लेकर के काफी सारी इधर बीच अपडेट्स आ रही हैं और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि यूजी और पीजी में जो 7 बड़े बदलाव होने वाले हैं वो किस प्रकार के बदलाव हैं। आप देखेंगे इधर भी 2-3 दिनों से कई सारी हेडलाइंस बनी हुई है, इधर भी जो है काफी सारी मीटिंग्स चल रही है और काफी कुछ इसमें बदलाव होने की बात कही जा रही है और जो 7 मेजर चेंजेस होने वाले हैं उसकी चर्चा मैं आपको करूंगा। और जितने भी पेपर्स भी कटिंग्स आ रही हैं या जो भी कॉन्फ्रेंस यूसी के चेयरमैन द्वारा किया जा रहा है या फिर जो भी चीजें चल रही हैं उसको आसान भाषा में हम 7 पॉइंट्स में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी ये खबर जो है मालूम चल सके और वो भी इन बातों से अवेयर हो सके। क्योंकि देखिए सीयूटी यूजी और पीजी का फॉर्म भी आने वाला है और आप एडमिशन भी लेंगे, हालांकि ये जो है देश की सभी जो है विश्वविद्यालयों में ये नियम अप्लाई होंगे। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं, एक एक करके आपको 7 पॉइंट्स में इन बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो बदलाव, मैंने पहले ही कहा कि 7 बड़े बदलाव की इस बार जो है अपेक्षा की जा रही है जिसकी बात की गई है। सबसे बड़ा जो बदलाव ये है, जो बच्चे सीयूटी वाले हैं, सीयूटी यूजी वाले, तो आपको अब 1 साल में 2 बार एडमिशन का मौका मिलेगा। पहला मौका आपको मिलेगा जून जुलाई में और दूसरा मौका मिलेगा आपको जनवरी फरवरी में। ध्यान दीजिएगा, हालांकि सीयूटी का एग्जाम एक ही बार होगा, सीयूटी का एग्जाम तो अभी बात कही जा रही है कि एक ही बार होगा, लेकिन उसी के स्कोर कार्ड के बेस पे आपको 2 बार एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी तक जो है 6 विश्वविद्यालयों ने इसको अपना लिया है, ये भी बात अभी आप जानिए लेटेस्ट अपडेट है। दूसरी बात कि 12th जो है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, लेट्स सपोज कि आपने 12th साइंस से किया है तो आप ह्यूमैनिटीज से बीए, मतलब बीए कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। लेट्स सपोज कि आपने जो है ह्यूमैनिटीज से 12th किया है तो आप साइंस से मतलब बीएससी कर सकते हैं जो है ग्रेजुएशन में। लेट सपोज कि आपने साइंस से जो है किया है 12th, तो आप कॉमर्स से भी कर सकते हैं जो है यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट अपना 12th के बाद। तो कहने का मतलब है कि साइंस जो है मतलब स्ट्रीम चेंज की बात की गई है कि आप आराम से अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल कर दिया गया। हालांकि पीजी के छात्रों के लिए भी ये अप्लाई होगा। इट्स मीन कि मान लीजिए कि आपने यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट अपना यूजी प्रोग्राम बीए बीएससी बीकॉम, सपोज आपने बीए किया है, ठीक है, और बीए मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आप चाहे तो एमए इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए कि आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगली बात देखिए, अगली बात ये कही गई है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात यहाँ पे की गई है। क्या की गई है कि भाई देखिए एडीपीए का मतलब क्या है कि जो है एक्सेलरेटेड जो है डिग्री प्रोग्राम है और जो है ईडीपीए का मतलब एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, यानी कि एक शॉर्ट टर्म में अपना आप डिग्री पूरा कर सकते हैं और एक्सटेंडेड जो है डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है, इसको आसान भाषा में समझिए कि मान लीजिए सपोज कोई भी आपका डिग्री है इसमें कोई भी कोर्स, लेट सपोज कि आपका 6 सेमेस्टर कोई डिग्री है, 3 साल कोई कोर्स है, 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होने वाला है, तो आप उसको 5 सेमेस्टर में भी कंप्लीट कर सकते हैं और ये आपके मूल्यांकन पे होगा, जो 5 सेमेस्टर में आपने परफॉर्मेंस किया है उसी बेस पे डिसाइड होगा। तो अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है तो आपको 5 सेमेस्टर में ही 3 साल की डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है, और ये केवल 10% बच्चों को ही इसमें देखा जाएगा मूल्यांकन के दौरान। तो ये बात कही गई है, सिंपल सी बात ये समझिए कि आप जो है इसमें जो है 3 साल में जो आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने वाला है उसको आप 5वें सेमेस्टर में जाकर के भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा ये केवल यूजी के अभ्यर्थियों के लिए, पीजी के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। अब आगे देखिए, आगे ये कहा गया है कि जो पहले आप सब जानते हैं कि एक अटेंडेंस का इशू रहता है आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में कि आपको 75% अटेंडेंस रह जाएगा तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तो अब इसको इस क्राइटेरिया को इसमें भी बदलाव होने जा रहा है। अब विश्वविद्यालय और कॉलेज के ऊपर है कि वो इस फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इस जो है क्राइटेरिया को अगर वो चाहें तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ये यूजीसी ने कहा है। अब आगे देखिए कि मान लीजिए सपोज कि आपको किसी मेजर सब्जेक्ट से आपको पीजी करना है, डिग्री लेनी है मेजर सब्जेक्ट से, किसी मेजर सब्जेक्ट से आपको डिग्री लेनी है मतलब ग्रेजुएशन में, अगर आपको पीजी करना है तो उसमें आपका ओवरऑल 50% क्रेडिट अगर आपका रहेगा तब आप पीजी के लिए एलिजिबल होंगे, ये बात कही गई है। और आखिरी बात ये है कि अगर आप 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करते हैं, लाइक आप बीएससी ऑनर्स कर लेते हैं, मान लीजिए आपने बीएससी ऑनर्स कर लिया मैथमेटिक्स वगैरह से, तो उस केस में आप एमटेक वगैरह कोर्स के लिए 2 साल के कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इतनी ही बात की गई है। अगर हम मेन मेन इसमें चर्चा करते हैं कि मेन बात यह है कि जो बच्चे हमारे सीयूईटी यूजी वाले हैं, ठीक है, आपको एडमिशन का 2 बार मौका मिलने जा रहा है, आपको जो है जहां पे जून जुलाई में
ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा जनवरी फरवरी में। साथ ही साथ आपका जो है 12th स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने साइंस से भी 12th किया है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, और पीजी के लिए भी ये बड़ी बात है। और बहुत कुछ तो अपडेट इसमें नहीं है, हालांकि धीरे धीरे जब ये एक्सटेंड होगा, धीरे धीरे चीजें जब आएंगी जो है रेगुलेट होंगी तो समय में आएगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही, उम्मीद है कि आप इन सब बातों को समझ गए होंगे। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।